आज का वीडियो अपने घर की चौखट के बारे में होने वाला है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर की चौखट कैसी होनी चाहिए, उसका महत्व क्या है, चौखट पर स्वस्तिक और माँ लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह क्यों लगाते हैं, ये सब जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में देने वाली हूँ। मैंने मेरे घर में नई चौखट किस तरह और कैसे लगवाई है वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। चौखट घर की सीमाओं को निर्धारित करती है। मान्यता है कि दहलीज होने से घर की पॉजिटिव एनर्जी घर से बाहर नहीं जा पाती है, इसलिए घर में चौखट और दहलीज का होना बहुत जरूरी है। आज के समय में भले ही आप घर के हर दरवाजे पर चौखट न बनवाएं, लेकिन घर के मुख्य दरवाजे पर चौखट जरूर होनी चाहिए। वास्तु में लकड़ी की चौखट को शुभ माना गया है। दरअसल दरवाजे के चौथे भाग को चौखट कहा जाता है। कहते हैं कि चौखट होने से घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। लकड़ी में नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। अगर आपके घर में लकड़ी की चौखट होती है तो घर में आने वाली नेगेटिव एनर्जी कुछ हद तक बाहर ही एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए घर में लकड़ी की चौखट लगाना शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में ग्रेनाइट या मार्बल की चौखट है और इसे आपको लकड़ी की चौखट में रिप्लेस करना पॉसिबल है तो इसे रिप्लेस कर देना चाहिए। चौखट बनाने के लिए सागवान की लकड़ी बढ़िया होती है, क्योंकि ये लकड़ी का आसरा सड़ता नहीं है और बेंड भी नहीं होता है और पॉलिश खूब निखर के आता है। आजकल फ्लैट सिस्टम के अनुसार बिल्डर की तरफ से हमें दरवाजे के साइड की दो बाजू और ऊपर की तरफ से लकड़ी की फ्रेम मिलती है, परंतु नीचे के साइड से ग्रेनाइट या मार्बल की चौखट मिलती है, तो लकड़े का त्रिकुट तैयार होता है जो हमारे प्रवेश द्वार के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मुख्य दरवाजे पर लकड़े की चौखट ही होनी चाहिए, इसलिए मैंने मेरे घर के मुख्य दरवाजे पर नई चौखट बनाई है। बाहर जो वास्तुशास्त्र अनुसार चौखट बनवा के देते हैं उनके रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं और ये मेरे बजट के बाहर था। मैंने इसके ऊपर बहुत सर्च किया तो पता चला कि हम खुद कारपेंटर के पास से अपने चौखट के मेजरमेंट को ध्यान में रखकर कम खर्च में घर पे ही बहुत बढ़िया चौखट लगवा सकते हैं। तो चलिए मैंने चौखट किस तरह और कैसे लगवाई देख लेते हैं। कारपेंटर के पास से ये सागवान का लकड़ा चौखट के मेजरमेंट के हिसाब से मंगवाया और लकड़े के एजेस स्मूथ करवाए। मैंने चौखट को पवित्र बनाने के लिए चौखट के नीचे की साइड में चांदी का तार, पंचरत्न और ऊपर के साइड पर स्वस्तिक माँ लक्ष्मी जी के पद चिन्हों को भी लगवाया। ये सब मैंने क्यों लगवाया जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चौखट के नीचे की साइड में चांदी का तार, सिक्के या चांदी की पट्टी लगवाना वास्तु में शुभ माना जाता है। मान्यता है कि चांदी का तार डलवाने से घर का माहौल शांत बना रहता है और चांदी में नेगेटिव एनर्जी को काटने की क्षमता होती है। आप अपने बजट को ध्यान में रखकर चौखट की लेंथ के अनुसार चांदी का तार लगवा सकते हैं। चौखट को घर से 1 से 2 इंच जितनी हाइट होनी चाहिए। आप देख सकते हैं चौखट के नीचे के साइड पे चांदी की तार और रत्नों को रखने के लिए जगह बना रहे हैं। इसे सॉल्यूशन की मदद से चिपकाएंगे ताकि चौखट लगाने पर गिरे नहीं। यहाँ पे वास्तुशास्त्र अनुसार मैंने पुष्कराज, पांचू, मोती, नीलम और मानिक को लिया हुआ है। ज्वेलर की शॉप से आसानी से मिल जाते हैं। चौखट के नीचे डालने के लिए चाहिए बोलने से ज्वेलर दे देते हैं, उनको पता होता है। ग्रहों की शक्ति को खींचने का काम रत्न करते हैं और हमें ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहती है। अब चौखट के ऊपर स्वस्तिक और माँ लक्ष्मी जी के पद चिन्हों को लगा रहे हैं। इसे लगाना शुभ माना जाता है। इन चिन्हों को लगाने से सुख समृद्धि का घर में आगमन होता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मकता में वृद्धि होती है। घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं रहती है। चौखट कभी भी काले रंग में नहीं होनी चाहिए। चौखट हमेशा साफ होनी चाहिए। साथ ही चौखट के बाहर रंगोली बनाकर आप इसे और भी सुंदर और शुभ बना सकते हैं।
चौखट लगाने के बाद हमें नियमित रूप से पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग दरोदहरी पूजा करते हैं उनके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है। आशा करती हूँ कि आपको चौखट के बारे में पूरे पूरी जानकारी मिल गई होगी। आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।